निराधार और बेबुनियाद आरोप उन्होंने लगाया है। ये वैसा ही है जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका। एक तरफ ये दावा करते हैं कि महादेव बेटिंग ऐप मामले में जांच की कार्रवाई हमने की, और उसी जांच के प्रक्रम में जब FIR दर्ज होता है तब बौखला जाते हैं, पेट में दर्द होने लगता है। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह के ऐसे काम करने की आवश्यकता नहीं है। डिप्टी सीएम अरुण साव जी हमारे साथ हैं। आज पूरे प्रदेश में भाजपा ने अलग अलग जगहों पर प्रेस वार्ता ली है। बात करते हैं क्या कुछ प्रमुख मुद्दे विषय हैं जिसको लेकर आज आप लोगों ने बात की है, और जिस तरह से पूर्व सीएम के ऊपर भाजपा हमलावर है किस तरह से देखते हैं। देखिए, महादेव बेटिंग ऐप पर जो FIR हुई है उसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो बयानबाजी की है, भारतीय जनता पार्टी पर, सरकार पर आरोप लगाया है, निराधार और बेबुनियाद आरोप उन्होंने लगाया है। ये वैसा ही है जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका। भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री जैसे पद पर रहे हैं, उन्हें कानूनी प्रक्रिया का, न्यायालयीन प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए। एक तरफ ये दावा करते हैं कि महादेव बेटिंग ऐप मामले में जांच की कार्रवाई हमने की, और उसी जांच के प्रक्रम में जब FIR दर्ज होता है तब बौखला जाते हैं, पेट में दर्द होने लगता है। तो न तो चुनाव से FIR का लेना देना है, न राजनीतिक विद्वेष से FIR है, ये तो जांच प्रक्रिया का के उपक्रम में FIR दर्ज हुआ है। सवाल वही उठा रहे हैं क्योंकि अब चुनाव का समय आ गया, लोकसभा चुनाव है, ठीक चुनाव के वक्त आप लोगों ने इस तरह से FIR जो है उनके ऊपर किया गया है। देखिए, हमारे यहाँ चुनाव तो चलते रहता है और मैंने स्पष्ट कर दिया है, न तो चुनाव से इसका लेना देना है, न इसका राजनीति से। ये जांच प्रक्रिया का, सतत प्रक्रिया का ये हिस्सा है। भाजपा अपने चुनावी चंदे से बचना चाहती है इसलिए इन सब मुद्दों को लाया जा रहा है, इस तरह से वो कर रहे हैं पुरसे। देखिए, आज तो देश का मूड स्पष्ट रूप से दिखता है। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह के ऐसे काम करने की आवश्यकता नहीं है। क्या माना जाए भूपेश बघेल की भी गिरफ्तारी हो गई? देखिए, कानून अपना काम करेगा। बिल्कुल, तो ये थे डिप्टी सीएम अरुण साव जिनका कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है, तमाम चीजें जो हो रही है वो न्यायालयीन प्रक्रिया, कानून की प्रक्रिया के तहत हो रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि आगे इस पर क्या कुछ होता है। जितेंद्र थवाई, 24 बिलासपुर।